हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी जो रेसिपी है वो है उपमा, जो हम ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। उपमा बनाने के लिए फर्स्ट हमें एक पैन या पॉट जो भी हो वो लेना है, और ये जो रवा है उसको मैं स्लो आंच पे उसे रोस्ट कर दूँ। अच्छी तरह वो रोस्ट हो जाए, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, फिर बाद में उसे मैं निकाल। अब हमारा जो रवा है वो रोस्ट हो चुका है और उसे मैं अब साइड में निकाल दूँ। अब मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और साथ में थोड़ा सा घी भी डालूँगी। अब इसमें मैं थोड़ी सी राई डालूँगी। राई हो जाए बाद में उसमें ये जो चना दाल है वो थोड़ी सी डालूंगी, और ये जो उड़द की दाल है वो भी मैं साथ में डालूंगी। इन सभी को अच्छी तरह हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। दोनों दालों को हमें बहुत जलाना नहीं है, स्लो आंच पे उसे रोस्ट करना है। साथ में ये जो मिर्ची है कटी हुई वो भी डाल दूंगी। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना तीखा चाहिए वो आप डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता उसमें डालूंगी और थोड़े से काजू, थोड़ी सी किशमिश, ये सारा अभी अच्छी तरह रोस्ट हो जाए फिर उसमें जो कटे हुए ऑनियन है वो मैं डालूंगी। ये जो कटे हुए ऑनियन है वो उसमें डाल दूंगी। और ऑनियन को अच्छी तरह मैं सौते कर लूंगी। अब हमारा जो ऑनियन है वो भी सौते होके रेडी है। अब इसमें जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था रवा वो उसमें मैं डाल दूंगी और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। 3-4 मिनट के लिए सभी को मैं अच्छी तरह पकाऊंगी, फिर बाद में उसमें मैं पानी डालूँ, और जो पानी डालूंगी वो थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी। अब मैं उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँ। अच्छी तरह हमारा पानी और रवा सूख जाए, फिर बाद में उसमें मैं जो नींबू है, शक्कर है, वो सारा कुछ डालूंगी। साथ में नमक भी डाल दूँ। अब हमारा जो उपमा है वो रेडी हो चुका है। अब उसमें मैं नींबू और थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालूँ, और नींबू का जूस, थोड़ा सा हरा कटा हुआ धनिया। अब अच्छी तरह सब मिक्स कर लूंगी। अब हमारा जो उपमा है वो सर्व करने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।